अस्सलाम वालेकुम जी। ये तलहा दोस्त हैं, ये मेरे कज़न भी हैं, भाई भी हैं। इनके साथ मैं जा रहा हूँ मदीना पाक। 2.5 स्टार एक्स गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे। तो आज सफ़र इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रहेगा, मौसम भी बड़ा अच्छा है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये गाड़ी है 2.5 स्टार एक्स। इसका बड़ा ट्रेंड है आजकल, हाइएस्ट कैसे चलती हैं। ये 10 सीटर है, ठीक है जी। तो बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है माशाल्लाह इनके पास। मैं और जो है तलहा भाई इस वक्त मौजूद हैं हरमैन रोड के ऊपर, मदीना पाक की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ रोड का व्यू, इस वक्त रश बहुत ज़्यादा है जी। दोस्तों हम निकल पड़े हैं मदीना पाक के लिए। इस वक्त ये जद्दा से हम जा रहे हैं। ये जनाब जद्दा का व्यू, बड़े 2 साल बाद आज मैंने देखा। ये देखें, एक JCB भागती हुई जा रही है रोड के ऊपर। अच्छा, ये आप देखें, ये दरमियान में जो है ना ट्रेन का ट्रैक है। ये जो ये हरमैन रोड है, इस तरफ हमारा रुख मदीना की तरफ है, ठीक है जी। और ये दरमियान में ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये ट्रेन का ट्रैक है। इंशाल्लाह भी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे शहर से बाहर, तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अभी रश है बहुत ज़्यादा, स्लो जा रहे हैं। ये जनाब महत्ता रहेली है, ये सामने मस्जिद है। इसके पीछे बैक साइड पर जो पेट्रोल स्टेशन है ना, वो महत्ता जो है मशहूर है यहाँ पे। अगर आपको कोई बोलेगा जी महत्ता रहेली, तो ये जगह, ये मस्जिद है, बैक साइड पे पेट्रोल स्टेशन है, और ये सारा एरिया यहाँ पे आपको, ये जो जगह खड़ी है, ये जो जगह है, इस जगह पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जो मदीना जाने के लिए। अगर महत्ता रहेली से आपने जाना है, तो या इस मस्जिद के बाहर आपको गाड़ियाँ मिल जाती है, वो सामने टैक्सी खड़ी है एक, या फिर ये है कि इस जगह आप आएंगे तो यहाँ से आपको कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। मदीना पाक के लिए निकल पड़े महत्ता रहेली से। माशाल्लाह आज जो बादल बने हुए, जो मंजर है बहुत ही कमाल है। सफर भी खूबसूरत, मंजर भी खूबसूरत। ये ऊपर एक जहाज जा रहा है, इसका मंजर आपको दिखाऊं जनाब। अगर कल का दिन बीच में छुट्टी कर लेना, परसों जो है ना हम तुम्हारा बाकी काम परसों कर देंगे। देखे जनाब बादल बने हुए हैं, मेरा कस्टमर आना है सुबह सुबह, मुझे हरा लगना चाहिए। जबरदस्त, ये देखें महत्ता रहेली से जैसे ही निकले हैं, बड़ा जबरदस्त मंजर है। बादल बादल पहले भी आपको दिखाया है कि जद्दा में है, यहाँ पे रास्ते में कुछ ज्यादा है। आप देखें बारिशों की वजह से काफी ग्रीनरी है, वरना जद्दा से मदीना जाते हुए आपको सहरा और यही नजर आते थे, लेकिन काफी बारिश यहाँ पे दोस्त बता रहे थे कि हुई है, जिसकी वजह से मौसम भी जो है ना वो खुशगवार है, और ग्रीनरी भी माशाल्लाह काफी नजर आ रही है आपको। इस वक्त हम हैं हरमैन रोड पे, तहबान की तफ्तीश के पास मेरा ख्याल हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त। तलहा भाई पूरी मेहनत के साथ और दिल लगी के साथ ड्राइविंग कर रहे हैं, 2.5 स्टार एक्स के बैठ के सफर करते हुए। और ये तहबान, क्या यादें यहाँ से वापसता हैं। कभी मैं आज तकरीबन 2 साल के बाद यहाँ पे चक्कर लग रहा है, और बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है, दिल खुश हो गया। अल्लाह ताला करे ये सफ़र हमारा अच्छा रहे और सुकून दे गुजरे सारा, अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानी से बचाए। लेकिन ये कि इस खत्ते में बारिश होने की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया। ये जनाब तफ्तीश आ गई है, मुझे थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, तो मैं ज़रा अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ। पता नहीं शायद ज़्यादा देर बाद आए हैं इसलिए फील हो रहा है, या मौसम ही ऐसा था आज के, आज हर चीज़ अच्छी लग रही है। ये मंजर शायद देर के बाद आए हैं, इस वजह से इतने प्यारे लग रहे हैं। पहले भी बहुत ट्रैवलिंग की है इस रोड पे, लेकिन आज तो माशाल्लाह रास्ते में हम रुकेंगे सास को, वहाँ का मंजर अपना ही है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यारा मंजर है, ऊँची जगह है, ठंड भी होती है, हवा भी होती है, वो भी आपको दिखाएँगे।